सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सरो टोल प्लाजा के मुद्दे को उठाया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि क्यों ना जब तक एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा ना हो जाए सरो टोल प्लाजा को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वाहन चालकों को परेशानियां ना हो रही हों। हाईवे की खस्ता हालत हो चुकी है, सड़कों पर घंटों जाम लग रहे हैं, पुल धंस चुके हैं, ऐसे में लोग कैसे टोल देना चाहेंगे। अब तो हालात ये हो गए हैं कि लोग वहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। हम चाहते हैं कि जब तक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा ना हो जाए तब तक सरो टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। एक्सप्रेस वे है, उसका निर्माण कार्य नेशनल हाईवे पर ही चल रहा है और विशेष तौर पर सांबा जो जिला है हमारा, तो वहाँ पर निर्माण कार्य पर आरम्भ है और रोड जो है बिल्कुल ही खराब हो चुका है और सारा जो रोड का जो जगह थी वो सारी उसने एक्सप्रेस वे का जो काम चल रहा है उसने कवर कर रखी है। लेकिन वहां पर सुबह से लेकर जाम भी लगे रहते हैं और रोड पर भी खड्डे ही खड्डे हैं। 10 बार कहने के बाद भी वो दुरुस्त जो है वो नहीं किया गया, बरसात का बहाना जब दूसरा रहा होगा। लेकिन मुझे जो कहेगा, हमने ये कहा कि जो सरो टोल प्लाजा है सरो टोल प्लाजा को तब तक बंद कर देना चाहिए जब तक ये नेशनल हाईवे का कार्य जो है वो पूरा नहीं होता या एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा नहीं होता। तो हमने ये बात आप तक पहुंचाई थी लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब लोग रोजाना वहां पर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये टोल टैक्स किसी के लिए जाता है? अगर रोड ही नहीं है, रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये क्यों नहीं बंद हो जाता? और दूसरा, उसके पहले ही अगर आप कहें तो कठुआ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक नेशनल हाईवे का पुल ही जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, फैल गया है। लेकिन उसके बावजूद भी टोल आप ले रहे हैं और लोग जो है वो शायद 7-8 किलोमीटर के ही गाँव से होकर फिर नेशनल हाईवे पर चढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोई अमल नहीं होता। और तीसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक टोल प्लाजा से दूसरा टोल प्लाजा कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए? और अगर वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे कि हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने संसद में भी एक वक्तव्य दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू में एक नगरोटा बंद टोल प्लाजा और दूसरा ये सरो टोल प्लाजा ये 35 किलोमीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। तो लोग मतलब जो 60 किलोमीटर में एक बार टोल देना है जो 2 बार दे रहे हैं और उसके बावजूद भी आज वहां धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आप क्यों नहीं बंद करवाते? हम ये नहीं कह रहे कि आप टोल ही ना लीजिए, बंद कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जब तक एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक तो आप इसे बंद कर दीजिए, तब तक आप टोल ना लोगों से लीजिए। और हो क्या रहा है कि जो अच्छे कार्य चल रहे हैं, जो अच्छे कार्य सरकार ने किए हैं वो पीछे रह गए और इस टोल प्लाजा की तब से पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार हो रहा है और जो अच्छे कार्य किए हैं उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। और हमारी लाख जतन करने पर पीडी, उसके ऊपर जो जीएम, उसके ऊपर जो चेयरमैन साहब, और अब तो नोबल जहां तक आ गए कि हमारे जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी बात की है चेयरमैन से कि भैया ये बड़ी अखतर भी का महोल जहां पर बना हुआ है, टोल लेने का कोई बनता ही नहीं है, तो टोल इस पर टोल प्लाजा को बंद कर दीजिए टोल प्लाजा को। और आज भी आप देखें तो रात को भी सैकड़ों लोग जो है वो धरने पर वहां बैठे रह रहे हैं और ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप टोल प्लाजा जो है वो उठा नहीं लेते वहां से और परमानेंट नहीं उठाइए आप। लेकिन जब तक एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, पूरा जम्मू अब जम्मू वो हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता ही नहीं, देश भर से लोग माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अरियास रजौरी में बूढ़ा अमरनाथ जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं, वो सारे के सारे परेशान हो रहे हैं, घंटों जाम लग रहा था। मेरी आपसे बात है कि आप हमें यहाँ पर बताइए और ये एक तो फैसला लीजिए जल्द से जल्द कि वो जो टोल प्लाजा सरो का उसे आप 2 दिन के अंदर, आज ही 2 दिन के अंदर उसे बंद करेंगे, तब तक बंद कर देंगे जब तक रोड आप सही नहीं दे पाते। ये मेरा कहना था आपसे। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है।
J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।